हेलो दोस्तों, आज मैं घर में ही केएफसी जैसी चिकन बना के दिखा रही हूँ। तो साथीहरू, आज चाहिँ म घरमै केएफसी भन्दा पनि मिठो क्रिस्पी जुसी चिकन फ्राई कसरी बनाएर खाने देखाउने छु। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज का मौसम इतना खराब है, सुबह सुबह इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। देखिए इतना अंधकार है, अंधेरा है, क्या करे। तो आज का ब्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ दोस्तों, बने रहना आज का मेरे। हम लोगों के एरिया में ना कितना दिन हो गया है दोस्तों, बत्ती ही नहीं आती है, हर रोज चली जाती है। बाहर पानी भी, बारिश भी बहुत हो रही है। आज ये ठंडा में कैसा दिन गुजारे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो किस तरह से दिन बिताए आज दोस्तों। देखिए ना इतना ठंड है, क्या करे, अंधकार, देखिए अंधकार, अंधेरा अंधेरा है। तो दोस्तों बने रहना आज का मेरे ब्लॉग में, मैं क्या क्या करती हूँ। मुझे लग रहा है आज ठंडा ज़्यादा है तो आज पिरो ज़्यादा खाना चाहिए, पिरो खानु पर्छ। आज दिन एकदमै चिसो छ, भए चाहिँ आज म चिकन लिएर चिकन फ्राई गरेर खानेछु। साथीहरू तपाईँलाई पनि देखाउने छु म कसरी चिकन फ्राई गरेर खानेछु भनेर। जाडो छ, जाडो जाडो, अँधेरो अँधेरो अँधेरो। हेर्नुहोस् बत्ती छैन, अन छ अन छ तर बत्ती छैन, क्या गरे। अब यो सबै अफ गरिराख्नु पर्यो। आजका मौसमदेखि यस्तो रहेका हे, नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए मैं चिकन लेकर आ गई हूँ, अब इसको अच्छी तरह से धोऊंगी। देखिए ठंडा ज़्यादा होने के कारण मैं थोड़ी सी गर्म पानी डाल के धो के साफ कर रही हूँ, और साफ भी कर लिया है और मसाला रेडी कर लिया है। देखिए दो अंडे भी डाल रही हूँ, और जो मसाले था उसको भी पेस्ट बना लिया है। ये अदरक लहसुन प्याज और ग्रीन चिल्ली और नमक डाल दिया है। देखिए चिकन को इस तरह से मैरिनेट कर रही हूँ। नींबू भी निचोड़ के डालती हूँ इसमें, इससे टेस्ट अच्छी आएगी और जूसी भी होगी। और ये थोड़ी सी काली मिर्च डाल दिया है, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके एक घंटे के लिए ढककर रख देती हूँ। और देखिए ये मैं चिली ऑयल के लिए मसाले रेडी कर रही हूँ। ये सभी मसाले एक फ्राइंग पैन में तेल डाल के अच्छी तरह से भुनना पड़ेगा, और भुनने के बाद उसको निकाल के, और ये चॉप किया हुआ टमाटर, लहसुन और डाली चिली को उसमें डालूँगी। देखिए आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसीलिए इसी चॉपर में चॉप कर रही हूँ टमाटो, लहसुन और चिल्ली को। और देखिए फ्राइंग पैन में तेल भी गर्म हो गई है, तो इसमें ये सभी मसाले को मैं फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के लिए तेल उतनी गर्म होनी नहीं चाहिए, तेल ज़्यादा गर्म होने से ये मसाला सब जल जाती है। तो ये मसाले को ब्राउन होने तक भुनना पड़ेगा, और उसके बाद में एक छन्नी में निकाल के इसी तेल के ऊपर वो जो मैंने पेस्ट बनाई है उसको डालना पड़ेगा, और अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों देख लिया, मैंने एक छन्नी में छान लिया है। इसका मसाले का फ्लेवर सभी तेल में आ गई है। देखिए ये मसाले को दूसरा चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं आप, फेंकिए मत। और देखिए वही फ्राइंग पैन में मैं वो तेल डाल दिया है, तो अब इसमें वो जो मैंने गार्लिक टमेटो और डाली चिल्ली को इसमें डाल के फिर भून रही हूँ।
इस तरह से अच्छी तरह से भून के ये चिली ऑयल तैयार होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक बना के नहीं खाई है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देखिए मैं वो इमरजेंसी लाइट जला के पका रही हूँ। और इसमें मैं नमक, हल्दी और चिल्ली पाउडर भी डाल दिया है, और ये थोड़ी सी मैंने आमचूर पाउडर भी डाल दिया है। तो इसको अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके साथ अच्छी तरह से आप लोग KFC वगैरह खा सकते हो, जिसको एकदम बहुत ही तीखी खाने की आदत है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब चिकन फ्राई करने की तैयार कर रही हूँ। ये कॉर्नफ्लोर है और ये कॉर्नफ्लेक्स है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। नमक, कॉर्नफ्लेक्स और कॉर्नफ्लोर डाल के इसमें अच्छी तरह से वो चिकन को डालूँगी। देखिए आज मेरा ठंडा में मज़ेदार का बन रही है। और दोस्तों आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, और जितने भी मेरे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और नीचे दी हुई बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों देखिए मैं तेल गरम कर लिया है और चिकन फ्राई कर रही हूँ। KFC टाइप घर में ही बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार के लिए मैं फ्राई कर लिया है, और देखिए यहाँ पर चिली ऑयल भी प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि दोस्तों चिकन एक बार में नहीं पकती है, इसलिए धीमी आँच में पका रही हूँ। धीमी आँच में पहले फ्राई करके एक बार निकालती हूँ, और दूसरी बार फिर से दूसरी बार के लिए भी उसी बची हुई मसाले को इस तरह से गोल बना रही हूँ। और इसमें फिर मैं चिकन को मिक्स करके फिर से एक बार फ्राई करूँगी, उसके बाद में अच्छी तरह से अंदर तक पक जाती है। देखिए फिर सेकेंड टाइम फ्राई कर रही हूँ। तो दोस्तों देखिए मुँह में पानी आ गई है ना, इतना अच्छी फ्राई हो गई है और डिलीशियस हो गई है। तो अब मैं खाऊंगी। यम्मी एंड जूसी चिकन खा रही हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलती है अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।